10,000 की चीज पे 1 लाख रुपया एमआरपी लगा के आप लोगों को दे दो, तो कस्टमर को इन चीज के बारे में पूरी तैयारी ध्यान से देखना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर हमारे लिए हमारी जान है। क्योंकि जब तक वो हमारे पास आएंगे, हमारा परिवार, स्पॉन्सर संघ का परिवार, ज्वेलर एसोसिएशन का परिवार, सब परिवार पीछे चलते हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि कस्टमर के साथ धोखा हो। इसके लिए हम जागरूक कैंप लगाएंगे सन्नी में, सन्नी गांधीनगर तालाब तिल्लो रामबन रजौरी पूंछ हर एक जगह पे हम टाइम डिसाइड करके आपको बता देंगे। तो जागरूकता कैंप लगाएंगे जिसमें हम आई टेस्टिंग मशीन गोल्ड आप कैसे बाइंग करेंगे और कैसे सेल करेंगे, ये सारा प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। जैसे कि हमारी कोई ज्वेलरी बनती है तो उसका 3 से 4% वेस्ट जो है सिर्फ पॉलिश और रबिंग में हो जाता है। जैसे आप देखते हो हमारी दुकान के बाहर सफाई कर्मचारी हमारा जो गंद है उसको भी उठाकर साफ करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा वेस्टेज जाता है, इसीलिए करते हैं। तो 6 से 7% हमारा खर्चा आता है जब कोई लोग नो लेबर नो पॉलिश पे आपको ऑफर कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है उसमें जोड़ है। ये आलू प्याज तो है नहीं सोना, जो 3 दिन बाद गाड़ी खराब हो जाएगी तो लेने वाला कोई हमें मिलेगा। एवरी डे इन्हांसमेंट होने वाला प्रोडक्ट है, गोल्ड इज अ वेरी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, सबको पता है। तो इसमें अगर आपको कोई सस्ता दे रहा है, गवर्नमेंट से सस्ता कैसे दे सकता है? जब गवर्नमेंट हमें 8,000 देगी तो हम आपको 7,000 कैसे देंगे? तो ये जोर है। इन चीजों से बचने के लिए सभी कस्टमरों से मेरी अपील है, जब भी वो कुछ बाइंग करते हैं तो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि कुछ दो चार लोग जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जिससे कि हर हमारा पूरा समाज खराब होगा और पूरे समाज की बदनामी होगी। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली है। अभी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब हमें 8,000 में प्रोडक्ट मिलेगा, हम आपको 7,000 में तो दे ही नहीं सकते। तो अंडरस्टूड है, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ होगा, कस्टमर को अवेयर होना पड़ेगा। सस्ता बोल के आपको महंगा दिया जा रहा है, नो लेबर नो पॉलिश बोल के आपको महंगा दिया जा रहा है। अगर वो 69,000 के हिसाब से आपको गोल्ड देते हैं, नो लेबर नो पॉलिश, आप उससे खरीद के हमको दे दो, हमारे लिए 24 घंटे आप दरवाजे खुले, 74 में हमको दे दो ना 500 रुपया, 100 ग्राम लोगों को 50,000 का प्रॉफिट आपको मिलेगा। हर बंदे को ये मेरी एडवाइस है, उनके पास जाओ 69,000 में खरीदो और हमें 74 में बेच दो। अब वही मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर एक प्रोडक्ट 10 रुपए का आता है तो उसको हम 100 रुपया बोल के आपको 40 रुपए डिस्काउंट देंगे, तो बेवकूफ कस्टमर बन जाए ना। कस्टमर को हमें जागरूक करना है, क्योंकि कस्टमर हमारे लिए भगवान है, कस्टमर कहीं लूट ना जाए। इसलिए एक सबसे अपील है त्योहारों के सीजन में, क्या वो डायमंड को जर्कन के बेचते हैं? डायमंड क्या है? यही अवेयरनेस के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि डायमंड की जगह वो आजकल सीबीडी भी बेच सकते हैं। सीबीडी जो कि लैब ग्रेडेड डायमंड है, हो सकता है वो आपको बेच दे, तो आप अवेयर हो अच्छे तरीके से अपना प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी जांच करें, क्योंकि कस्टमर के साथ धोखा कभी नहीं होना चाहिए। कस्टमर हमारे लिए भगवान है। सर मैं यही कह रहा हूँ, इसके लिए ही हम अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बहुत जल्दी, जिसमें हम गांधीनगर, दुर्गुटा नगर, तालाब किलो, ऐसे ऐसे एक एक लोकेशन। आप कभी भी सोना खरीदें, एक तो HOID वाला होना चाहिए, और ये जो नो लेबर नो पॉलिश का कल आपको क्लेम कर रहे हैं, जब आप बिल बनाते हैं उस पर देखिए आपको चार्जेस कैसे लगे। मोटा मोटा 74,500 का रेट है, उसके ऊपर 8 से 10% जो खर्चा हमारा लगता है, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे कुछ बनाने जाओगे उसका वेस्टेज भी होता है। उसके बनाने वाले हमारा एक अंगूठी बनाने में 10 कारीगर लगते हैं, पॉलिश वाला अलग है, गोली वाला अलग है, तार वाला अलग है, तो 10 कारीगर में से आप 1-1% लगाओ तो 8-10% वेस्टेज होता है, आपसे कैसे नहीं ले जाओगे। तो उसमें जोर होगा ही होगा 100%। नॉर्मल अगर लोगों को सरल भाषा में समझाए कि एक तोले की अगर हम अंगूठी लेते हैं तो उसमें कितना एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो पड़ते हैं तोले के हिसाब से? देखिए जब मैं आजकल तो कंपटीशन का जमाना है, सब कुछ कर करा के हम दुकानदार 1% मार्जिन पे काम करते हैं। 6 से 7% मिनिमम, 6 से 7% जो है वो कारीगर का खर्चा है, उसके बाद में इनकम टैक्स है, उसके बाद में GST है, वो सब कैलकुलेशन लगा के 10% जो चार्जेस है उससे कम में कोई बेच नहीं सकता, इनफैक्ट होलसेल भी नहीं बेच सकता। तो अगर वो आपके नो लेबर नो पॉलिश बोल रहे हैं तो 100% उसमें जोड़ है। और दूसरी तीसरी बात ये है कि जो
गोल्ड रेट का भी मैंने कुछ अभी देखा था फेसबुक पे, कैसे गोल्ड रेट बेच सकते हैं, कि सोने की खाल पड़ी हुई है जो खत्म ही नहीं होगी, पुराने रेट पर दे देंगे। अभी हम लोग अगर आटे वाली दुकान होगी, वो एक बोरी आटा जब बेचता है तो 100% उसको वापिस लेना पड़ेगा, कस्टमर को देना था। अभी वो 8 में लेके आपको 7 में कैसे दे सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पर इसमें तो आप लोगों को भी सामने आना पड़ेगा, जो दुकानदार इस तरह का काम कर रहे हैं, जो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, तो आपने भी क्यों नहीं किया? सर इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने अपने तौर पे उनको लेटर भेज दिया है, कस्टमर को बेवकूफ ना बनाए। अभी इसीलिए मीडिया के माध्यम से हम कस्टमर को भी बोल रहे हैं, आप सस्ता सोच के महंगा खरीद रहे हो, तो हर चीज को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए, पैसा आपका बहुत कीमती है, आपकी मेहनत का पैसा आपका खराब ना हो, इसीलिए हम लोग सभी आज यहाँ पे बैठे हैं। इनके बाद ये जानीपुर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है रिलेटेड, ये अश्विनी बब्बर जी वहाँ पे बैठे हैं, इनके पास आप जाके अपना प्रोडक्ट चेक करा सकते हैं, अवेयर करा सकते हैं, उसका वैल्यू बना सकते हैं। ऐसे ही आप तलाब जिलों में इनके पास जतिंदर जी के पास जा सकते हैं, और इनके चेयरमैन हैं वहाँ पे, जनरल सेक्रेटरी हैं इनके भी, जनरल सेक्रेटरी है, 3-4 बंदे हैं, आप कहीं पे भी जाकर अपना प्रोडक्ट चेक करा सकते हैं, उसकी वैल्यू डलवा सकते हैं। इसके लिए हम अवेयर कर रहे हैं कि आप हमारे पास कभी भी आइए, हम आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे, कस्टमर अवेयरनेस के हम बहुत जल्दी लगाए। सर यही तो मैं कह रहा हूँ कि 8 रुपए की चीज अगर 7 रुपए में कोई लेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना उसमें, इसीलिए आप सब लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। जी सर, थैंक यू।